बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। आज पुनः मैंने बच्चों आप लोगों के लिए आंकिक प्रश्न लिए हुए हैं। आंकिक प्रश्न भाग दो। कुछ पहले की क्लासेस में भी मैंने आपको विलियन के न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न बताए थे। बच्चों आज मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन और बलगतिकी चैप्टर को मिक्स करके मैंने आज आपके लिए आंकिक प्रश्न लिए हुए हैं। बच्चों जिसमें मैंने पहला प्रश्न जो आपके सामने ले रखा है वो है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है हमारे पास। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पर 40 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो अपन को टी हाफ की गणना करनी है, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया कंडक्ट होगी वो प्रथम कोटि की है, उसमें किसी भी अभिकारक का 30% वियोजित होता है, वो उत्पादक में बदलता है और अभिक्रिया को संपन्न होने में 40 मिनट का समय लग जाता है। तो अपन को बताना है कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, उसका टी हाफ क्या है। तो बच्चों इस तरह यहां पर अपन ने जो टी हाफ देखा ये अर्धायुकाल है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको समझा रखा था कि अर्धायुकाल क्या होता है। अगर वहां पर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा तो आज भी ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बच्चों मैंने सबसे पहले आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर का, चूंकि ये न्यूमेरिकल प्रश्न है तो सीधा मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक का जो व्यंजक है बच्चों, है ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है। तो बच्चों इसका जो व्यंजक है वो होता है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और इसको मैंने समीकरण एक बोला। बच्चों ये जो डेरिवेशन आप देख पा रहे हो, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का एक व्यंजक है। बच्चों हमको प्रश्न के अनुसार जो चीजें दी गई हैं वो मैंने आपको बता दिया। हमको समय दिया है कुल समय टी बराबर 40 मिनट। हमको प्रारंभिक सांद्रण, बच्चों ये हमने मान लिया कि अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसका प्रारंभिक सांद्रण कितना है, 100 है। बच्चों 40 मिनट के बाद वो 30% विघटित हो जाता है, यानी ये उसकी अंतिम मात्रा जो कि हमको दिया गया था। तो बच्चों जो समीकरण हमारा एक है हम इसमें ये मान रख देंगे। जैसे बच्चों ये मान रखेंगे तो इस तरह से हमको सबसे पहले मान प्राप्त होगा। हमने टी का मान रख दिया, हमने ए का मान रख दिया और हमने एक्स का मान रख दिया। बच्चों 100 में से हमने 30 को माइनस किया तो 70 आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी वैल्यू ऐसी टीज है, एक जीरो से हमने एक जीरो यहां पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो फाइनली ये वाला इक्वेशन आ जाएगा 10/7 आ जाएगा। 10 को 7 से आपने जब डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू 1.43 आ जाएगी, ठीक है, जो कि एक पूरे लॉग के साथ रहेगा। बच्चों जब आप लॉग 1.43 को सॉल्व करेंगे अपनी लॉग टेबल से तो उसकी जो वैल्यू है वो आपको अप्रोक्सीमेट 0.1554 के अप्रोक्सी, है ना, मिल जाएगी। तो हम यहां से इस लॉग के मान को हटाकर अब ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों, वहां पर पुट कर देंगे। जैसे ही हम ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इस तरह से हो जाएगा। बच्चों इसको इसके साथ गुणा करके 40 से उसको डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे तो आपकी जो के की वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, समीकरण दो बना दिया। तो के बराबर कितना आ गया बच्चों, 8.94 × 10^-3। इसको हमने समीकरण दो बना दिया। बच्चों आप लोगों को याद होगा कि अभिक्रिया के अर्धायु काल का जो सूत्र होता है वो ये होता है, टी हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, 0.693, ठीक है, अपॉन के, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने जो के का मान निकाला ना समीकरण दो में, तो वो के का मान अब हमने यहां पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। और फिर बच्चों इसको भी आप क्या कर लीजिए, अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिए पूरे को डिवाइड करके और टी हाफ का मान निकाल लीजिए। तो अप्रोक्सीमेट आपकी जो टी हाफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 77.7 मिनट, ठीक है। यानी ऊपर जो आपको प्रश्न दिया गया था उस अभिक्रिया में उसका जो अर्धायु काल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 77.7 मिनट अप्रोक्सी आ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ये आंसर है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमने यहां पर गणनात्मक मान किया हुआ तो कुछ जो मान होंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे होगा वो। अच्छा अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न मैंने आपके सामने ले रखा है। अगला प्रश्न है कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि तथा बी के प्रति वो द्वितीय कोटि की है। यानी मान लो आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां पर वो ए के सापेक्ष जो अभिक्रिया वो प्रथम कोटि की है जबकि बी के सापेक्ष जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की है।
तब बच्चों हमको ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु कि हमको अवकल वेग समीकरण लिखना है, बी की सांद्रण को दोगुना करके हमको बताना है कि उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हम बी की सांद्रता को दोगुना कर देंगे तो अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए तथा बी दोनों के सांद्रण को आप क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो आप बताएंगे उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बी की सांद्रता को तीन गुना करने पर वेग में प्रभाव बताना है, जबकि तीसरे पॉइंट में ए और बी दोनों की सांद्रताओं को दोगुना करने पर उसके वेग में प्रभाव बताना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो सबसे पहले अवकल समीकरण देख लीजिए, जो रासायनिक अभिक्रिया उसका जो अवकल समीकरण है उसमें अपन ने क्या ले लिया बच्चों, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से उसका अवकल समीकरण लिखा जाएगा। इस अवकल समीकरण में ये जो वैल्यू है डी आर अपॉन डी टी, ये अभिक्रिया की दर कहलाएगी, इसलिए उसको मैंने आर वन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, इस वैल्यू को एसिटीज रिटर्न कर दिया, यानी आर वन इज इक्वल टू के ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। ठीक है बच्चों, यदि मैं यहां पर मान लू कि जो ए का जो सांद्रण है वो एक्स के बराबर हो और बी का जो सांद्रण है वो वाई के बराबर हो, है ना, हो तो हम अभिक्रिया की दर को चेंज करके इस तरह से लिख पाएंगे, तो R1 इज इक्वल टू के एक्स वाई की पावर 2, यानी अब यहां पे इसको हटा के हम x लिख देंगे और इसको हटा के हम y लिख देंगे, तो बच्चों यहां पर आ जाएगा के एक्स वाई की पावर 2। तो ये मूल रूप से हमारे अवकल समीकरण से, अवकल वेग समीकरण से हम अभिक्रिया की दर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, वेग या दर अप्रोक्सीमेट एक ही चीज है। पॉइंट नंबर 2 पर जब आप आएंगे तो बच्चों हमको बोल रहा था कि B की सांद्रता को तीन गुनी करनी है, तो देखिए हमने जो B लिया हुआ तो B की सांद्रता को हमने तीन गुना कर दिया। ठीक है, तो अवकल समीकरण में ही मान रख देंगे तो दर अभी अपन को दूसरी दर प्राप्त हो जाएगी ना, द्वितीय वेग प्राप्त हो जाएगा, तो R2 मान लिया उसको K X, केवल B वैल्यू को तीन गुना किया तो 3y रख दिया और उसकी पावर 2 है। बच्चों जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो के एक्स 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, y की पावर 2 है इसलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों पूरे को सॉल्व करेंगे तो 9 को पहले ले लिया, के x की पावर 2, इसको इक्वेशन बना लिया। नंबर 1 याद करिए, पहला जो दर था वो था के एक्स वाई स्क्वायर, समीकरण 2 1 और 2 की जब आप तुलना करेंगे तो इतनी वैल्यू को हटा के आप यहां पे r1 लिख सकते हैं, यानी जो द्वितीय जो दर होगी वो पहली दर की कितनी होगी बच्चों, 9 गुना। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर हम अवकल समीकरण में अगर द्वितीय अभिकारक के सांद्रण को तीन गुना करेंगे तो उसका जो वेग है वो प्रारंभिक की तुलना में 9 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमने बता दिया कि जो दर है वो 9 गुना बढ़ जाता है। बच्चों इस आधार पर तीसरा पॉइंट भी है, तीसरे पॉइंट में हम ए और बी दोनों की सांद्रताओं को दोगुना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने अभिक्रिया की दर को R3 मान लिया, हमने ए की सांद्रता को भी दोगुना किया, बी की सांद्रता को भी दोगुना किया। बच्चों ये एसिटीज आ गया, 2 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा। पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहां पर 4 दुनी 8 हो जाएगा, फाइनली R3 इज इक्वल टू 8 के एक्स वाई की पावर 2 आ जाएगा। बच्चों इसको समीकरण 1 बना दिया, आपको पुनः मालूम है कि R1 बराबर कितना था, के एक्स की पावर 2 था, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए तो इस पूरी वैल्यू को रिमूव करके आप उसकी प्लेस में क्या लिख सकते हो, R1 लिख सकते हो। तो R3 इज इक्वल टू के R3 इज इक्वल टू 8 R1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब आप एक अवकल समीकरण में, ठीक है, अभिक्रिया में A और B दोनों की सांद्रताओं को दोगुना करेंगे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अभिक्रिया का जो वेग है वो उसकी प्रारंभिक दर की तुलना में 8 गुना अधिक हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी तक मैंने आपको 2 प्रश्न लिए आंकिक रूप से और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों तीसरा प्रश्न भी मैंने आपके सामने ले रखा हुआ है और वो तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो उसके अभिकारक के प्रारंभिक या आरंभिक सांद्रण के कैसा होता है बच्चों, समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रश्न के लिए हम चलेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल का मतलब बताया कि अर्धायुकाल होता क्या है। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अर्धायुकाल वह समय है जिसमें अभिक्रिया का आरंभिक जो सांद्रण है ना, वो आधा उत्पादक में बदल जाता है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया जब अपनी आधी कंप्लीट हो जाती है तो उसको जो समय लगता है वो समय क्या कहलाएगा, उसका अर्धायुकाल कहलाएगा। तो इस प्रकार मैंने आपको अर्धायुकाल की जो डेफिनेशन है वो आपको बताया बच्चों। ठीक है,
अर्ध आयु काल को बच्चों हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझिए, बहुत सारे बच्चे इसको टी बटे टू लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, टी हाफ यानी वन बाई टू लिखना है। तो इस तरह से अभिक्रिया के अर्ध आयु काल को रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों फाइनली, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी बराबर वन अपॉन के ए नॉट माइनस ए, ठीक है, ये डायरेक्ट इस्तेमाल किया गया। तो अभिक्रिया के अर्धायु काल, तो टी को मैंने टी हाफ के बराबर ले लिया, और उसकी अंतिम मात्रा को क्या किसके बराबर ले लिया बेटे, प्रारंभिक सांद्रण का आधा करके अंतिम मात्रा के बराबर ले लिया। ये दोनों मान अब आप क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे। बच्चों जैसे ही आप उनको समीकरण एक में रखेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू के वन अपॉन के ब्रैकेट ओवर ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू। बच्चों इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी, जिसको आगे आप सॉल्व करते जाएंगे तो इस तरह से टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू किया जाएगा। बच्चों समीकरण दो में ये जो टू के हैं, अगर आप यहां देखें तो इंटू वन में अपॉन भी, ये वन के अपॉन में भी है ना वैल्यू, तो वन अपॉन टू के को अब आप क्या कर लेंगे, एक नियतांक मान लेंगे, इसको कॉन्स्टेंट मान लीजिए। तो जब आप कॉन्स्टेंट को रिमूव करेंगे तो जो बराबर का साइन है वो समानुपाती में बदल जाएगा, यानी हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है उसके प्रारंभिक सांद्रण के कैसा है, समानुपाती है। और इसीलिए हमने फिर यहां पर बच्चों उसका स्टेटमेंट आपके सामने रखा हुआ है कि स्पष्ट है कि अभिक्रिया का अर्धायु काल उसके आरंभिक सांद्रण के कैसा होता है, समानुपाती होता है। जैसा कि हमको प्रश्न में पूछा गया था वही चीज हमने अंत में अपने उत्तर के रूप में भी मेंशन कर दी। तो बच्चों आज मैंने आपको इन तीन महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों से रूबरू किया, इसी तरह के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर पुनः आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आज के लिए इतना ही।